संसद है जो जिसको संसद कहा जाता है, वहाँ अंदर अंदर अगर खाना खाती तो वहाँ पे अलग माहौल होता है, यहाँ खा के कैसा लगा? ये तो जी लंगर का खाना है, हम तो 8 महीने से लंगर का खाना खा रहे हैं मोर्चे में और खुशनसीब समझते हैं हम सब जो यहाँ पे 200 महिलाएं पहुँची हैं लंगर खाने के बाद। अब माइक भी खिला रहे हो ना आप लोग, मैं तो खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि मुझे इस 200 महिलाओं के जत्थे का हिस्सा बनने का मौका मिला एसकेएम द्वारा, और ये एक तरीके से हमारा संदेश है कि महिलाओं की राजनीतिक प्रोसेस में बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, और हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए एक बिल पास हो उससे पहले। मैम अभिनेत्री हैं आप, ऐसे कितने अभिनेत्रियों का सहयोग मिल रहा है और यहाँ पर महिला चल रहा है तो आप किस तरीके से यहाँ पर रोल? देखिए मेरा रोल यहाँ पर एक एसकेएम की वॉलंटियर की हैसियत में है, जहाँ रही दूसरे लोगों की बात मैं उन पे चर्चा नहीं करना चाहूँगी क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो फार्मर पार्लियामेंट का है, वुमेन फार्मर पार्लियामेंट का है, और उस मुद्दे पे अगर हम चर्चा करें तो बेहतर होगा। मैम महिला संसद चल रहा है लेकिन एक सांसद कहती है, मंत्री कहती है मवाली किसानों को, तो किस तरीके का ये लगता है आपको? ये कोई नई बात नहीं है, भाजपा सरकार के बड़े बड़े मंत्री नए नए विशेषज्ञ इस्तेमाल करते हैं किसान मोर्चे के बारे में बात करने के लिए, तो अब उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। गुल, आपने महिलाओं की भागीदारी की बात की लेकिन जब भी हम देखते हैं समाज में महिलाएं आगे आती हैं तो उन पर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसे लेके आ रही हैं, बिरयानी खाने के लिए आ रही हैं, कि हमने इस वाले धरना में भी देखा और पहले भी देखा। देखिए कहने वाले तो कहेंगे और करने वाले करेंगे, अब आपको करने वालों में से बनना है या कहने वालों में से बनना है ये निर्णय आपने लेना है। मैम आपको लगता है जो ये संसद चल रही है किसानों की, सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा इससे? देखिए सरकार अल्टीमेटली पब्लिक की मुलाजिम है, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बार कहा है कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ, देश का प्रधान सेवक हूँ। अब अगर जनता किसानों के हक में खड़ी होती है और अगर आप लोग हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचाएँ ईमानदारी से, और आप लोग यहाँ आए हैं हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपको वेट भी करना पड़ा है, लोगों ने आपको कठोर शब्द भी कहे हैं, पर अगर आप हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचाएँगे और सही और असली आवाज़ जो हमारी है, जो हमारे मुद्दे हैं जनता तक पहुँचाएँगे, मुझे पूरा विश्वास है भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोर्चे के साथ समर्थन में खड़े होंगे। तो और तब जनता तक नहीं पहुँची बात? पहुँची थी पर बीच में सरकार के बहुत से ऐसे तौर तरीके हैं जिनसे बात को कहीं और घुमाया जाता है, मोर्चे को अलग रुख और रंग दिया जाता है, उन सब मामलों में सरकार सक्षम है और बहुत बढ़िया प्रतिष्ठा रखती है। तो हमारी बस यही उम्मीद है कि जनता या तो जनता को मालूम पड़े मोर्चे की हकीकत के बारे में और हमारे से हमदर्दी जुड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है मोर्चा ख़त्म हो गया है, और जैसे आप लोग अभी जो लोग सिंगू टिकरी जाते हैं आपको दिखाई दे रहा है कितनी तादाद में लोग वहाँ बैठे हैं, और जो लोग बैठे हैं उनकी गिनती नहीं करनी चाहिए, जितने लोगों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी गिनती करनी चाहिए, और ये बात लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है कि इतनी तादाद में लोग अभी भी बैठे हैं मई की गर्मी में, जून की गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन कहानियां सरकार की तरफ से और सरकार के समर्थकों की तरफ से ऐसी उड़ाई जा रही हैं कि तो एसी में बैठे हैं, ये तो आड़तीय हैं, तो ये तो ये हैं, तो मतलब ये जो नाइंसाफ़ी और गलत प्रकार की रिपोर्टिंग हो रही है उससे हमें एतराज़ है। मैडम 11 दौर की बातचीत हो चुकी है और अभी बातचीत नहीं चल रही है और सरकार बोल रही है कि बातचीत हम करने के लिए तैयार हैं, क्या लगता है आगे क्या होना है? देखिए आप लोग बातचीत नहीं करना चाहते? मैं कौन हूँ, मैं तो बस यहाँ पे एसकेएम की एक वॉलंटियर हूँ। बात देखिए मुद्दा ये है कि सरकार को एक स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बनाना डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए वैलिड है या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब सरकार नहीं दे रही है। स्टेट सब्जेक्ट है तो पहले तो स्टेट सब्जेक्ट पर सरकार को कानून नहीं बनाने चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह से कानून बनाए गए बिना चर्चा के, बिना लेजिस्लेटिव प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो किए, उससे इसका फंडामेंटल और इसकी बुनियादी फ्लॉड है। अब एक फ्लॉड कानून पर
आप कितनी भी चर्चा कर ले उसकी फाउंडेशन ही गलत है। तो उसकी शुरुआत देश की जनता ने छोड़ा ही नहीं विपक्ष, कहाँ है विपक्ष? तो फिर आपकी मीडिया के भाई साहब चक्कर क्या है ना, चर्चा तो पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए ना, और बचा ही नहीं है। पर जो थोड़ी बहुत चर्चा हो भी सकती थी वो भी नहीं हो सकी ना इस बार। तो चक्कर क्या है कि इस बार ये जो कानून पास हुए हैं 10 महीने पहले, वो बिना चर्चा के, बिना लेजिस्लेटिव प्रोसेस के पास हुए हैं। अब उनकी बुनियाद ही गलत है, तो उन पे कानून पास करने के बाद चर्चा का क्या मतलब है? 10 राउंड हो जाए, 9 राउंड हो जाए, 20 राउंड हो जाए। मैं उम्मीद रखती हूँ कि सरकार इन्हें रद्द करेगी और पूंजीपतियों के साथ मिलकर, कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर नए कानून बनाएगी जो जायज़ हैं और फेयर हैं। मैडम आपने अभी कहा कि सरकार बहुत सक्षम है।